यूपी के अलीगढ़ में दहेज लोभियों ने विवाहिता का गला घोटकर जंगल में फेंक दिया। ये घटना यमुना एक्सप्रेसवे के निकट जैतपुर के जंगल में घटी। 3 वर्ष पहले यूपी के जैतपुर की रहने वाली पीड़िता की शादी भरतपुर में हुई थी। शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए तंग किया जा रहा था। शुक्रवार को पीड़िता के ससुराल वालों ने उसे सूचना दी कि उसका भाई बीमार है, इसलिए मायके जाना पड़ेगा। इसके बाद पीड़िता के पति, जेठ, सास और एक अन्य व्यक्ति उसे बोलेरो में लेकर जैतपुर के लिए निकले। रास्ते में यमुना एक्सप्रेसवे से उतरने के बाद आरोपियों ने पीड़िता का गला घोट दिया। गला घोटने से अचेत हुई पीड़िता को ससुराल पक्ष के लोगों ने मृत समझकर जंगल में फेंक दिया। बाद में गांव वालों ने जंगल में पड़ी पीड़िता को देखकर पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। बोल रहे थे चलो ठीक है ले सकते हैं। उन्होंने मेरी लड़की 3 दिन से तो मेरे से दूर रखा थी, लड़की को दिया नहीं था। 9 जी लाई थी, 9 जी ला के मेरे साथ मारपीट करी थी, मेरा गले में चुन्नी डाली थी। मैं सोच रही थी मजाक करता है, ऐसे मेरे साथ मजाक करता है वो। मैंने सोची मजाक ही कर रहा है क्या, मजाक कर रहा था। मैं सोची मजाक कर रहा था, उसने जैसे खींचा उन्होंने कपड़ा डाल दिया। पास की मेरी ननद थी, गेट था मेरा, मेरे हस्बैंड था। ये मामला जी मानागढ़ी तरफ से आ रहा था और ये लड़की मतलब हमारे गांव के पड़ोस में डेयरी है, वो डेयरी के पास मतलब पड़ी मिलना और उधर से जिसमें पल्ली तरफ से आ रहा है, इधर से मतलब एक बोलेरो गाड़ी गई और स्पीड में गाड़ी गई और उसके बाद में मकान के हमें लड़की पाई पड़ी।